हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, बट आज इसकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सभी को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिकली एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू रजिस्ट लोड विदाउट फेलियर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन। मीन्स अगर आप कोई भी मटेरियल लिए हो, उस पर आप अगर स्ट्रेस दे रहे हो, तो किस पॉइंट पे वो ब्रेक हो जा रहा है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक रोप है, तो रोप को अगर आप दोनों साइड से उस पर फोर्स लगाओगे, तो किस पॉइंट पे या किस स्ट्रेंथ पे वो ब्रेक हो जा रहा है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो पोर्सिलिन एक मटेरियल है, एक इंसुलेटर है, जिस पे आप अगर 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर ग्लास इंसुलेटर की बात करें तो उस पे 35,000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का फोर्स आपको देना पड़ेगा, तब वो ब्रेक होएगा। ओके, तो पोर्सिलिन क्या होता है? जो अभी अपन वायरिंग सिस्टम होती है अपने घरों के बाहर, जो पोल्स वगैरह में लगे होते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा एक मटेरियल लगा होता है जिसे पोर्सिलिन कहा जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, 1960 या 1970 के टाइम पे ग्लास इंसुलेटर यूज होते थे। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंसुलेटर है, बट इसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो सही नहीं है। एक्चुअली ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम जाएगी इसकी, इसलिए इसको जनरली अब यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेकिंग अंडर कंप्रेशन। ठीक है, जो रेजिस्ट करता है मटेरियल को बेसिकली, कि उसको आप अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, मींस ब्रेक नहीं होने देगा, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी मटेरियल लोगे तो आप उस पर फोर्स अगर दे रहे हो, तो कितने पर्टिकुलर फोर्स पे वो कंप्रेस हो जा रहा है कम्प्लीटली, वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो अगर पोर्सिलिन के केस में देखा जाए तो 70,000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अगर ग्लास इंसुलेटर के लिए देखा जाए तो वो 10,000 केजी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्लास इंसुलेटर बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बट पोर्सिलिन थोड़ा देर तक रहेगा, मीन्स वो जल्दी ब्रेक नहीं होएगा कंप्रेस करने पे। ओके, नेक्स्ट है शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ क्या कहलाता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट फोर्सेस दैट कैन कॉज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल टू स्लाइड अगेंस्ट इट्सेल्फ। मीन्स अगर आप एक वायर लो, ठीक है, ये उसके सपोज़ ये वायर ही है, ये कंप्लीट वायर है। ठीक है, अगर ये स्लाइड कर जा रही है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर से, तो जिस स्ट्रेंथ पे वो स्लाइड कर जा रही है, जिस प्रेशर पे या जिस फोर्स पे वो स्लाइड कर जा रही है, वो उसकी शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेंथ कहलाएगी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस आप देख पा रहे हो, तो अगर एक मटेरियल जो है तो वो स्लाइड कर जा रहा है, मींस उसकी लेयर्स आपस में स्लाइड कर जा रही हैं, तो ये इसकी शेयर स्ट्रेस कहलाएगी, जिस प्रेशर पे वो स्लाइड कर जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी शो कर रहा है इंटर लैमिनर शेयर क्रैक है, तो अगर लेयर आपस में स्लाइड कर जा रही हैं तो वो क्रैक आ जाएगा। ठीक है, अगर रबर के केस में देखें तो जैसे ही आप फोर्स इंक्रीज करते जाते हो तो उसका स्ट्रेस इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो शियर स्ट्रेस ये होगा, 4 न्यूटन लगा रहे हो तो ये होगा, 6 न्यूटन लगा रहे हो तो ऐसा होगा। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हो तो उस पर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग इजली ब्रोकन और डैमेज्ड।
मीन्स जितना जल्दी वो ब्रेक हो जा रहा है या डैमेज हो जा रहा है वो इंसुलेटर की फ्रेजिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अचीव्ड फ्रॉम इंडेंटेशन ऑफ ए प्रीडिटरमाइंड ज्योमेट्री। ठीक है, अगर आप किसी प्लास्टिक पे कुछ लोड रख रहे हो, ठीक है, उसको एक ज्योमेट्री आप देना चाह रहे हो बेसिकली, तो जब वो डिफॉर्म हो जाएगा वो या जिस पॉइंट पे वो डिफॉर्म हो रहा है वो उसकी हार्डनेस कहलाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है, अगर इंडेंटेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो कितना लोड यहाँ रखने पे ये डिफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, कितना लोड रखने पे ये डिफॉर्म हो जा रहा है वो उसकी हार्डनेस कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो वो लो होनी चाहिए, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल की डेंसिटी लो होनी चाहिए, क्योंकि अपन जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं या चूज करते हैं तो वो वॉल्यूम के बेसिस में चूज करते हैं, ना कि वेट के बेसिस में। तो अगर डेंसिटी लो रहेगी तो अपन एक पोर्टेबल इक्विपमेंट या स्मॉल इक्विपमेंट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखा जाए तो जैसे जो भी आपके थिक लिक्विड होती हैं उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जो थिक नहीं होते जैसे कि वाटर, इनकी विस्कोसिटी कम होती है। तो इंसुलेटर के केस में ये विस्कोसिटी लिक्विड डाइलेक्ट्रिक में कंसीडर किया जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म विस्कोसिटी है तो उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की। अगर मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो मॉइस्चर मतलब कि एयर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट उसमें आ जा रहे हैं, और वाटर ड्रॉपलेट आ जाएंगे तो उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, जिससे कि उस पर स्वेलिंग आ सकती है, मीन्स वो फूल सकता है, ठीक है, या कोरोजन या वार्पिंग ये सब इसमें हो सकता है, ठीक है, बेसिकली वो डिटेरियोरेट हो जाएगा, मीन्स ख़राब हो जाएगा वो मटेरियल। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ सरफेस। हार्डनेस वही चीज़ है कि किस पर्टिकुलर फोर्स पे उस पर वो डिफॉर्म हो जा रहा है, या उस पर स्क्रैच आ जा रहे हैं, या एब्रेजन मीन्स घर्षण हो रहा है ना, तो ये उसका हार्डनेस कहलाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल की, है ना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। जो भी आप डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हो, इंसुलेटर यूज़ कर रहे हो, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो उस पर लॉसेस कम होंगे, ठीक है, बट अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो कहीं पे लॉसेस ज़्यादा होंगे या कहीं पे कम होएगा, मीन्स बेसिकली उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। अगर आप हाई वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हो तो वो ख़राब हो सकता है, किसी पॉइंट पे हाई वोल्टेज आ गया तो हीट ज़्यादा हो जाएगी, हीट ज़्यादा हो जाएगी तो वो कंडक्ट कर जाएगा और जल भी सकता है, तो इसलिए यूनिफॉर्म होना चाहिए जो भी इंसुलेटर अपन यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज़ आपकी टेम्परेचर से रिलेटेड हैं सारी। फर्स्ट है जैसे कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी मेजर द ईज विथ विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू ए मटेरियल बाई कंडक्शन, ठीक है। जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उस पर अगर आप हीट के थ्रू वो कंडक्ट कर जा रही है बेसिकली, तो वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो कंडक्ट कर जा रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल लो तो वो बेसिकली कंडक्ट नहीं करना चाहिए, कंडक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी हमेशा लो होनी चाहिए फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंसुलेटर। नेक्स्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ अ फिगर दैट कनेक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल टू इट्स विड्थ, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी को उसकी विड्थ से रिलेट करे वो थर्मल रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थिकनेस डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी, ठीक है। तो फॉर ए गुड इंसुलेटर
थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी लो, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाई थर्मल रेजिस्टेंस इज़ ए गुड इंसुलेटर। अगर थर्मल रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा है, मीन्स वो कंडक्ट नहीं करने दे रहा है मटेरियल को, तो वो एक अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। अगर थर्मल रेजिस्टेंस कम है तो वो बैड इंसुलेटर कहलाएगा, ओके। तो मीन्स वो रेजिस्ट करना ही चाहिए, अगर वो कंडक्ट कर लेगा तो फिर वो कंडक्टर हो जाएगा, तो आपका जो इंसुलेशन का काम है वो नहीं हो पाएगा, ओके। तो इसलिए इसको लो होना चाहिए। नेक्स्ट है हीट एजिंग। हीट एजिंग क्या होता है? हीट एजिंग, एजिंग इज एन इफेक्ट द वेयरिंग आउट ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल बाय रिड्यूसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी। मीन्स जो भी उसका रेजिस्टेंस है वो मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो वो हीट एजिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ये मैकेनिकल इफेक्ट है जो कि कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन आता है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन जनरली नहीं होना चाहिए किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पे, तो इसकी भी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्मल प्लास्टिसिटी। थर्मल प्लास्टिसिटी क्या है? प्रेशर ऑन द वायर ऑफ ए वाउंड कॉइल वेरीज अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पार्ट्स कॉज्ड बाई वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वेरिएशन के थ्रू ही होता है, जिससे कि वायर जो है आपका तो वो एक्सपेंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो थर्मल प्लास्टिसिटी की भी वैल्यू आई थिंक लो होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल केमिकल इफेक्ट। तो जो भी एक्सटर्नल केमिकल हैं, जैसे कि अगर कोई वायर, जैसे आप देखो जो बाहर अपने घर के वायरिंग सिस्टम है, तो कैसा भी एनवायरनमेंट है, अगर कैसा भी गैस आ रही है या कैसा भी लिक्विड है, बारिश हो रही है या एसिड्स, कुछ भी जो एसिड रेन होती है, उन सबको वो मीन्स उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है वायर पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो उसके बाहर पे इंसुलेटर लगा है वो इन सब से उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो उसका रेजिस्टेंस एक्चुअली अच्छा है, ठीक है। उस पर कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, ना कुछ हाइड्रोलिसिस हो रही है, चाहे जितनी बेकार से बेकार कंडीशन हो जाए, कैसा भी एनवायरनमेंट हो जाए, हाँ टूट सकती है बट उससे रिएक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स इन सॉइल। अगर आप कोई भी केबल को सॉइल के थ्रू ले जा रहे हो नीचे से या कहीं से भी, मीन्स अंडरग्राउंड कनेक्शन है या कैसा भी कनेक्शन है, तो वो उसके सॉइल से रिएक्ट ना करे, ठीक है। बेसिकली उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सॉइल से, तो ऐसा आपको इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ओके। और ये कैसे आप चूज करोगे, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज होता है कि हाँ ये मटेरियल अच्छा है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, इस बेसिस में चूज होता है ये, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर एंड ट्रॉपिकल टेस्ट। अच्छा, वाटर बहुत हार्म करता है इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, या मॉइस्चर या वाटर जो भी है, अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि वो कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो उसको मीन्स ये वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अगर वो एक अच्छा इंसुलेटर है, कोई भी मटेरियल अच्छा इंसुलेटर है तो उसको वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक भी यही चीज़ है, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना। तो इस मटेरियल, इस प्रॉपर्टी की वजह से मटेरियल की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज होती है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए फॉर ए बेस्ट इंसुलेटर। अगर आप अच्छा इंसुलेटर यूज करना चाह रहे हो तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ओके। तो
ये थी अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटिंग मटेरियल की। ओके, थैंक यू।